मणिपुर हिंसा को लेकर हरभजन का बड़ा बयान, योगी से लेकर मोदी तक हैरान। मणिपुर घटना पर हरभजन का फूटा गुस्सा, बोल दी बड़ी बात। पूरे देश में इस समय मणिपुर का मुद्दा खूब गरमाया हुआ है। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर लगातार चीजें ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं और वहां की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। 3 मई से बढ़ के इस जातीय संग्राम में अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 5,000 से ज्यादा लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। 160 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। 15,000 से ज्यादा लोग अब तक बेघर हो चुके हैं। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह ने मणिपुर घटना को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। मणिपुर में लगातार हो रही हिंसा को लेकर हरभजन सिंह ने जो बयान दिया है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। हाल ही में मणिपुर की एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। दरअसल ये बात है 19 जुलाई की, जब 2 महिलाओं का रेप करके उन्हें नंगे सड़क पर उनका प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद ये वीडियो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच पूर्व भारतीय स्पिनर गेंदबाज हरभजन सिंह का मणिपुर घटना पर गुस्सा फूटा है। महिलाओं की वायरल वीडियो को लेकर राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह ने एक ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए गुस्सा बहुत छोटा शब्द है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, अगर मैं कहता हूं कि मैं गुस्से में हूं तो ये अंडर एस्टिमेट है। मैं गुस्से में सुन्न हो गया हूँ। मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके बाद आज मैं शर्मिंदा हूँ। हरभजन सिंह ने आगे लिखते हुए घटना के अपराधियों के लिए सजाए मौत की मांग की। उन्होंने लिखा, अगर ये जघन्य अपराध है, अपराधियों को कानून के कटघरे में नहीं लाया जाता और मौत की सजा नहीं दी जाती, हमें खुद को इंसान कहना बंद कर देना चाहिए। हरभजन सिंह के इस गुस्से के बाद लगातार लोगों में कसमोकश बनी हुई है, क्योंकि हरभजन सिंह राज्यसभा सांसद हैं। राज्यसभा सांसद के नाते उनका ये बयान, उनका ये ट्वीट काफी मायने रखता है। मोदी सरकार को लगातार विपक्ष भी इसमें घेरता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह का भी इस मुद्दे को लेकर गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को सजाए मौत होनी चाहिए। क्या आप लोग हरभजन सिंह के इस बयान से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। स्पोर्ट्स के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें DNP स्पोर्ट्स।